तो महाराज ये जो ये गुरुराज पर्वत है, ये गिरिराज पर्वत जिसका कार्तिक महीना के प्रतिपदा के दिन पूजन प्रारंभ किया था, सारे ब्रजवासी भौचक के रह गए, भाई गजब है गो, ऐसे देवता को दर्शन हो जो आज तक ना हो। प्रतिपदा के दिन खूब चकाचक भोग लगाया, भोग पाया, परकम्मा लगाई, यमुना में उसमें मानसी गंगा में स्नान किया, आराम से जय जयकार करते हुए अपने घर चले आए। अगले दिन का त्योहार मनाया भैया दौज, और तृतीया के दिन इंद्र को पता चला। नारद जी पहुंच गए इंद्र के पास, महाराज तुम्हारा पत्ता साफ हो चुका है। क्यों? अरे तुम्हारा पूजन करने वाले ब्रजवासी, उन्होंने किसी पत्थर की पूजा करी है। इंद्र को आया गुस्सा, तुरंत महाराज इंद्र ने मेघमालाओं को आदेश दे दिया। मेघमालाओं को आदेश दिया तो महाराज उसी समय मेघमालाओं ने ऐसी बरसात करवाई, बिजली कड़क रही है, बादल बरस रहे हैं। और कैसे कैसे बादल बरसे महाराज, दीवार जैसी मोटी मोटी बूंदें। ब्रजवासी सब घबरा गए। सज्जनों उसी समय भगवान ने देखा कि उस इंद्र के मन में अब देह अभिमान उसका गया नहीं है। ब्रजवासी गए, लाला तेरे देवता ने दर्शन तो दिया, भोग तो किया, पर अब रक्षा कौन करेगा? भगवान बोले चिंता ना करो, हमारो देवता ही तुम्हारी रक्षा करेगा। चलो गिरिराज जी की तलहटी में। महाराज गिरिराज जी की तलहटी में पहुंच गए और जाकर के भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे गोविंद, हे गोपाल, हमारी रक्षा करो। भगवान बोले भैया ऐसा करो, या गिरिराज पर्वत है, छाता बना के उड़ लो। ब्रजवासी बोले भगजादारी के 50 किलो को पत्थर तो उठे ना आए, ये 7 कोसलम्बो गिरिराज पर्वत उठ जाएगा? अरे भैया सब चटनी है जाएंगे। भगवान बोले जब मन में विश्वास है तो करो, नहीं तो महाराज मरनो तो सब ही है। अब ग्वाल वाल करते भी तो क्या नहीं करते। महाराज भगवान ने हाथ लगाया और तलहटी में ऐसे सबने डंडा लगा दिया और धीरे धीरे गिरिराज पर्वत को एकदम से उठा लिया। बोल गिरिराज महाराज की, डंडा लगाए काउने महाराज, लंबे लंबे कद के लोगों ने अपने हाथ लगाए, बिल्कुल मध्य में भगवान ने गिरिराज जी को उठायो। अच्छा जब गिरिराज जी उठाए, देखो अब ऐसे पर्वत उठाएंगे तो एक साइड में टेढ़ा हो जाएगा, तो इधर से कौन संभालेगा? तो कुछ लोग भागते इधर की तरफ, इधर जब ज्यादा लोग चले गए तो इधर लुढ़कने लग गया गिरिराज पर्वत, फिर इधर फिर उधर, उन सब के मध्य में संतुलन बना करके भगवान खड़े हो गए। और भगवान ने क्या कहा, ऐसा करो तुम सब आराम कर लो। बुजुर्ग लोग बोले तो शर्म ना लगे, तू नेक्स्ट सो छोरा है हमारो, हम आराम करें और तू परिश्रम करें, हम सब परिश्रम करेंगे। मदमंगल श्रीदामा जितने भी महाराज भगवान के सखा हैं सबने डंडा लगा रखे हैं। अब एक दिन निकल गो और एक रात्रि निकल गई। अब सखा बोलो एक मधुमंगल, लाला ऐसो कर तू आराम कर ले, हम यह गिरिराज पर्वत उठा के रखेंगे। भगवान बोले अच्छा इतनो घमंड आएगो का? मधुमंगल बोलो भैया घमंड की बात ना आए, माखन हमने खायो है। हाँ तू का समझ रहो, हमारी मैया सबरे माखन ना बेचे? हाँ ऊपर तेरे संग जामे, हम भी चोरी करबे तो हमें तो गप मार ही ले। पर महाराज भगवान समझ गए इनके मन में देह का अभिमान है, तुरंत भगवान ने अंगुली नीचे करी, स्वयं गिरिराज नीचे धसवे लगो, लाला संभालियो संभालियो संभालियो। और भगवान ने तुरंत उस गिरिराज पर्वत को उठाया, सबकी लाठियां टूट गए, डंडे टूट गए, पड़ गए नीचे। अब सब लाला की तरफ देख रहे, चोरे लाला ये का होयो? बोल कहा ना होयो, कह तो दई तुम्हें चोरे तो नहीं, कहा करो अकेले ने तेरे गिरिराज पर्वत उठा रखो है? एक बोलो लाला तू भगवान तो ना है? भगवान कह रहे हाँ मैं भगवान ही तो हूँ। श्री दाम बोलो भगजा बहुत देखे तेरे जैसे भगवान, हाँ भगवान तेरे जैसे हो। महाराज भगवान कह रहे मैं भगवान अहम नारायण अहम सर्वेशु भूतेशु, लेकिन उन ग्वाल वालों को समझाना बड़ा मुश्किल है जिनके संग में महाराज भगवान रह रहे हैं। जो लंगोटिया यार होते हैं ना, चाहे उनको मित्र बहुत बड़ा डिप्टी कलेक्टर बन जा, पर महाराज जब बैठ जाएं हिलमिल करके, कहूँ कमरा में बैठे कहूँ घर में बैठे, तो महाराज वहाँ कलेक्ट्री ना चले, वहाँ तो महाराज यारी दोस्ती चलती है।
ऐसी भगवान के संग में ग्वाल वाल कह रहे हैं। भगवान कह रहे, भगवान तो कहवे लगे, लाला तुम शक्ति कहाँ से आई? बोल भैया तुम सबन की नजर मेरी उंगली की तरफ है ना, तो या उंगली में तुम सबन की शक्ति आके बैठ गई। भगवान जब ये बात कही तो मधुमंगल ने कहा, दारी के अब तो तू चोरी भी करवे लगो शक्ति है, जब ही तो मैं कहूँ कि हमारे डंडा कैसे टूट गए है, हम थक कैसे गए। पर भगवान तो बड़े चतुर है ना, दोनों बातें कह देते हैं कि हाँ मैं भगवान हूँ, और ऐसे भी कह देते हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ। हाँ तो शक्ति कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे रानी की कृपा सो मिन गिरवर लियो उठाय। कछु मैंने माखन चोर चोर के खायो, तुम लोगों ने सहायता करी, पर तुम सबनते ज्यादा सहायता मेरी राधा रानी ने करी, श्री राधा रानी की कृपा सो। किसी ने कहा कि जो उंगली है ना, इकन्नी उंगली के नख के ऊपर गिरिराजी विराजमान है, तो किसी ने पूछा उंगली क्या है, तो एक वृंदावन के संत कहते हैं कि ये उंगली साक्षात श्री राधा रानी है। जब किशोरी जी आकर के उंगली में बैठ जाएंगी तो महाराज कुछ होने वाला नहीं है। आज राधा रानी का मान सम्मान सबके सामने बढ़ा दिया मेरे प्रभु ने, धन्य है। खूब महाराज भगवान के दर्शन करने लगे, तृतीया से लेकर के और दसवीं पर्यंत तक दिन रात ऐसे भगवान ने गिरिराज जी का उठाया। और इधर महाराज आंधियां चल रही हैं गिरिराज पर्वत के नीचे, मेघमालाओं का जल समाप्त तो हो गया, इंद्र के पास गए महाराज जल खत्म। उसने सोचा कि अब तक तो पृथ्वी डूब जानी चाहिए, ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ? तब महाराज इंद्र महाराज आए, इंद्र महाराज ने एक ग्वाले का रूप बनाया और जाकर के देखा भगवान के स्वरूप को, चरणों में गिर पड़े, चरणों में गिर पड़े, प्रभु क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। नमस्तभ्यो भगवते पुरुषाय मात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। विद्यते हृदया ग्रंथि छिन्द्यते सर्व संशया, क्षीयन्ते तास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। प्रभु मेरी हृदय की गांठ खुल गई, आज मैं सब समझ गया, आप ही हैं, मेरे अंदर जो शक्ति है वो आपसे आ रही है, आप ही करने वाले हैं, आप ही कराने वाले हैं, आप क्षमा करो। भगवान बोले कि तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है, पहली बात तो, और तुमने मेरे भोले वाले ब्रजवासियों से अपनी पूजा करवाई, कितने सालों से पूजा चल रही थी तुझे, अब तू हिम्मत हो तो अब तू करके बता। इंद्र बोले महाराज क्षमा करो बस, और देखो कोई अब हमसे आपसे कोई अपराध हो जाए, क्षमा मांग लो, प्रायश्चित कर लो, तो बड़ा सा बड़ा अपराध भी माफ हो जाता है। आज भगवान से प्रार्थना करी है, भगवान बोले कोई बात नहीं। हाँ बोले आप लक्ष्मण थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा ले तानपुरा काल का सा। बस महाराज इंद्र महाराज ने प्रार्थना करी कि क्षमा करो, आप जो भी दंड देना चाहें हमें वो स्वीकार है। पर भगवान फिर क्या करें, तू तो वरदान मांग ले क्या चाहिए। अब किसी ने पूछा कि भगवान वरदान क्यों देना चाहते हैं, तो शायद भगवान ये बताना चाहते हैं कि जहाँ भक्त और भगवान मिल जाते हैं, जिनके सहारे से मिलते हैं, जिनके माध्यम से काम बन जाता है, भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं, और जो भक्त और भगवान को के बीच में दीवार बन के खड़ा हो जाता है, उससे भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। देखो भक्त और भगवान के बीच में कभी दीवार बन के खड़ा मत होना, ये कथा संदेश दे रही है। कभी भी सहयोगी बनो तो भक्त का सहयोगी बनो, ताकि भगवान मिल जाए, याद रखें।
आज महाराज क्षमा मांगी और इंद्र ने क्या बोले, आप प्रभु कुछ देना चाहते हो तो जैसे आपने इन ब्रजवासियों को यहाँ का वास दिया है वैसे आप मुझे भी वास दे दो। भगवान बोले नहीं, वास नहीं मिलेगा, ऊंचा पद चाहिए ऊंचा पद ले लो, प्रतिष्ठा चाहिए प्रतिष्ठा ले लो। मैया कुर्सियों को बगल में कर दो ना, माताओं से मेरा निवेदन है कुर्सियों को साइड में कर लो। हाँ हाँ, कुर्सियों को एक लाइन में कर लो। हाँ, माताएं बेचारी ऐसी बैठी हुई हैं कुर्सियों पर जैसे फेविकोल का पक्का जोड़ लग गया हो। आराम से बैठो रिलैक्स हो करके। हाँ बोलो भागवत भगवान की। लेकिन इंद्र को ब्रज का वास नहीं मिला, याद रखें ब्रज का वास तो बड़े भाग्यों से बड़े पुण्यों से प्राप्त होता है। हमारे बीच में परम आदरणीय विधायक साहब के सुपुत्र सिद्धार्थ जी पधारे, जोरदार ताली बजा करके आप इनका स्वागत करें। और बड़े सौभाग्य की बात है, कथा सत्संगों में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, बहुत सुंदर। ऊपर ही आओ जी, आ जाओ ऊपर आ जाओ, कोई बात नहीं आ जाओ। और जो साथ में आए हैं भाई आप भी आ जाओ, आप लोगों का भी दिल से स्वागत है। सबको पहना दो महाराज जी, जितने भी साथ में आए हैं मित्रगण सबको पहना। पुलगराज महाराज की, ब्रज 84 कोस की, कुर्सी दे दो और जैसा उचित लगे उस हिसाब से। जो भैया हैं नीचे उनको भी पटका पहना महाराज, रोहित भैया सबको पहना पटका, जो साथ में आए ना सबको पहना। जो साथ में आए सबको पहना दो, सबका स्वागत है। किसी कारणवश विधायक साहब नहीं आ पाए, उनके सुपुत्र आए हैं, भगवत स्वागत है आपका दिल से, भागवत पीठ से आपको बहुत बहुत अभिनंदन। कृष्ण कृष्ण महायोग, विश्वात्मना विश्व संभवा, भवता लोकनाथेन सनाथा वयम अच्युतम। भगवान सच्चिदानंद कौन है, योगेश्वर हैं, स्वयं अपने आप में विश्व हैं और आज उसी विश्व में स्थान मांग रहे हैं इंद्र महाराज। लेकिन इंद्र के लिए स्थान नहीं है ब्रज में, तो केवल ब्रजवासी ही रह सकता है। आप लोग जाइए वृंदावन में कभी, कलकत्ता वालों की धर्मशाला, बम्बई वालों की धर्मशाला, हाँ रोहतक वालों की भी धर्मशाला है वहाँ पर। हाँ तो धर्मशाला बनवा के रह सकते हो आप 10 दिन 20 दिन 50 दिन, लेकिन परमानेंट वास नहीं मिलता है। और परमानेंट तो वास तो बड़े भाग से बड़े पुण्य से, जब इंद्र को ही नहीं मिला महाराज। कितने बड़े पद पर रहते हैं जो जल वर्षात आदि करवाते हैं, वृष्टि करवाते हैं, बताइए उनकी जिम्मेदारी है ये। भगवान ने भी डिपार्टमेंट बना रखे हैं, तू जल की पूर्ति करना, तू वायु की पूर्ति करना, तू पृथ्वी की पूर्ति करना है? तो उसका मेन हेड ऑफिस कौन, स्वयं परमात्मा है। और यदि किसी का कनेक्शन काट दिया जाए तो फिर भैया कोई पूर्ति हो ही नहीं सकती, पीछे से पूर्ति उसकी हो ही नहीं रही है। ऐसे ही सच्चिदानंद परमात्मा है, उसी सच्चिदानंद परमात्मा का फिर इंद्र ने अभिषेक किया। गंगा जल लेके आए ऐरावत हाथी के सूंड में, उससे अभिषेक किया।
और एक सुरभि नाम की गाय गोलोक धाम से आई, भगवान का अभिषेक किया, भगवान का नाम गोविंद पड़ा। सज्जनों आज भी मैं आपको बता दूं, गिरिराजी में एक कुंड है जिसका नाम है गोविंद कुंड, वहीं पर ही भगवान का अभिषेक हुआ था और भगवान के शरीर से निकलता हुआ जो जल था उसकी वजह से उसका नाम गोविंद कुंड पड़ा। और आज भी इस बात का प्रमाण है, उस कुंड का जो जल है वो दूध की तरह स्वाद लगता है। तस्मिन्न कदाचित तदुदक्ष्य है स्वादुत्वं प्रतिपाद्यते, आज भी इस बात का प्रमाण है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। देखो आप हमेशा याद रखना, कभी भी गिरिराज जी आप लोग जाओ तो साष्टांग प्रणाम करो। अपने कपड़ों को कभी मत देखना कि मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, ये हो जाएगा, ये कपड़े कब तक चलेंगे, महीना दो महीना छह महीना साल भर इसका भी अंत हो जाएगा। तो साष्टांग प्रणाम करो, परिक्रमा लगाओ। चल नहीं सकते तो आजकल व्यवस्थाएं चल रही है वहां पर, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, उसमें बैठ के परिक्रमा लगाओ, भाव होना चाहिए। और देखो जो सच्चे मन से गिरिराज जी को, गिरिराज जी तो साक्षात प्रमाण है इस बात के, दक्षिण भारत में त्रिपुत बालाजी है और हमारे ब्रज में गिरिराज पर्वत, ये साक्षात प्रमाण है देवताओं के। हमेशा भगवान से प्रार्थना करो यही, अरे लगन तुम से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन तुम से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन तुम से लगा बैठे जो होगा देखा लगन तुमसे लगावे के जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा, अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। और कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे छुप छुप याद करते थे, छुप छुप याद करते थे। क्योंकि एक लाइन और गाऊंगा मैं, फिर मैं हमारे जो भैया हैं विधायक साहब के सुपुत्र, मैं दो मिनट उनका माइक से बुलवाना भी चाहूंगा प्लीज, पर मेरा एक निवेदन है क्योंकि एक लाइन और गाऊंगा मैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका मन गिरिराज जी की तरफ लग जाए, हैं? इसलिए लो अब पर्दा उठा के दोनों हाथ, तुम तो नाच सकते हो। लो अब पर्दा उठा बैठे, अबे पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा।
वजे नाम करे देवी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। जो मीराबाई की तरह भक्त बन जाते हैं उनको कोई शर्म नहीं, कोई लाज नहीं। क्यों? शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो हो लगन तुम से, लगन तुम से, लगन तुम से लगावे बस बहुत हो गया। थैंक यू। आइएगा, मैं निवेदन करना चाहूं, परम आदरणीय माननीय विधायक श्री भारत भूषण बत्रा जी के सुपुत्र सिद्धार्थ भैया पधारे हैं। एक बार आप इधर ही आ जाओ, ऊपर ऊपर इधर प्लीज इधर आ जाएं। दो शब्द आप सबको, एक हमारे सनातन धर्म के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति दो शब्द आपको जरूर सुनाएंगे। आप लोग बच्चे ध्यान से सुनिएगा। ला बेटा, राम राम जी। ब्रिज के दर्शन हमें आज रोहतक बैठे ही हो गए। बाबा गोपाल दास जी के चरणों में मैं आशीर्वाद लेने आया हूँ और वचन सुन के बहुत ही अच्छा लगा और मन को शांति भी मिली। कई दिन से चुनाव में हूँ तो चुनाव में जो हर व्यक्ति जो चुनाव लड़ता है उसके ऊपर जो तनाव रहता है उस तनाव से मुझे 5 मिनट यहाँ बैठ के बड़ा अच्छा लगा। बहुत सी मेरी माताएं बहनें बैठी हैं यहाँ पर, मैंने महाराज जी का आशीर्वाद ले लिया है। मैं आपसे अपने लिए और अपने पिता के लिए आपसे आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। मुझे आशा है कि आप सब हमें आशीर्वाद देंगे और बाबा जी के आशीर्वाद से शीतला माता जी का आशीर्वाद भी लेने आया हूं यहां पर। और आप, मैं आशा करता हूं कि आप हमें आशीर्वाद देंगे। सबके आशीर्वाद से हमारा संकल्प है कि आपको एक सुंदर और नया रोहतक बना के देंगे। आप सभी का यहाँ पर बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हालांकि हमारे लिए तो विधायक साहब ही हैं आप, और हम निवेदन भी करेंगे कि जब आपका रूप बन जाए तो फिर इस स्वरूप को मत भूल जाना। हाँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है वृंदावन में। और जब आपके पिताजी को पुनः वो गद्दी प्राप्त होगी तो फिर ये उत्सव भी मनेगा यहाँ पर, ये याद रखें आप, क्योंकि हम आपसे कहेंगे और ये कार्यक्रम करना है तो फिर करेंगे ही साहब। वो तो ये बस माता बहनों से निवेदन है, खूब मेरे भाई का सहयोग करें, खूब आशीर्वाद बना कर रखें, खुश रहो, प्रसन्न रहो, प्रसाद दे दीजिएगा। बोलो भागवत भगवान की, सभी को प्रसाद दे दें।
बुलगिराज महाराज की जय हो। इंद्र महाराज को फिर इस प्रकार से स्तुति करके वो वापस अपने गद्दी पर चले गए, वहीं से बैठकर राम जी का भजन करने लगे। परीक्षित ने पूछा, इतना जल बरसाया महाराज, जल कहाँ चला गया? तो तीन प्रमाण यहाँ पे आते हैं। अब आप कथा पे ध्यान दो। हाँ मैया सबसे आगे बैठी हमारी बहन। हाँ ये बात, कथा पे ध्यान दो अब आप लोग। इतना जल वर्षा तो पूरे जल में ये पृथ्वी डूब जानी चाहिए, तो जल गया कहाँ? तो तीन पात्र बताए हैं। पहला पात्र, भगवान ने गिरिराज पर्वत उठाया था तो सुदर्शन चक्र जल को सुखा रहा था। उस पर्वत के नीचे जल क्यों नहीं आया? क्योंकि बलदाव भैया शेषनाग का रूप लेकर के उस पर्वत के चारों तरफ उसने बांध बना दिया, दीवार। तीसरा, अगस्त महात्मा ओक लगा करके जल पी रहे थे। बताइए कब के बाबा अब तक जल पी रहे हैं? और आज भी हमारे महात्मा ब्रज के ऐसे कहते हैं कि वो आज भी महात्मा जल पी रहे हैं कली काल तक। क्यों? क्योंकि माता जगदम्बा भवानी माता जानकी सीता जब अवधपुर में रहते तो कोई ना कोई महात्मा आता रहता था, तो सेवा करती थी, बढ़िया उनके लिए पकवान बनाती, भोजन बनाती। और आप जानते हो अतिथि देवो भवः, अतिथि का मतलब अतिथि, इसकी ना कोई आने की तिथि है ना कोई जाने की तिथि है, अतिथि उसको कहते हैं। खूब घर में कोई अतिथि आए तो खूब सेवा करो, जल से भोजन से जैसा आपसे बन पड़े, ना जाने किस रूप में ठाकुर जी मिल जाए। हम कई जगह देखते हैं रोहतक वाले तो मजबूत दिल के हैं, ये तो पक्का है। कई जगह इतनी कंजूसी महाराज, दो चार मेहमान आ जाएं तो हालत खराब हो जाती है, क्या खिलाएंगे क्या पिलाएंगे, कहाँ रुकेंगे किधर रुकेंगे। और कई लोग कंजूस लोग होते हैं जो बहाना बना लेते हैं। कोई बेचारे कंजूस सेठ जी थे, उसके घर पे कोई मेहमान आ गया, 15 दिन हो गए जाए नहीं। अब बताओ, सेठानी बोली जा ही नहीं रहा है क्या करूं, सेठ जी बोले काय को जाएगा जब बढ़िया कचौड़ी पकौड़ी मिलेंगी खावे को तो। और बात सही है माताओं याद रखना, जब बढ़िया भोजन मिलता हो बढ़िया सेवा होती हो तो काऊ को किसका मन करेगा जाने का वहां से। सेठानी बोली मैं तो परेशान होगी, काऊ तरीका से इसको भगाओ। तो क्या किया सेठ सेठानी ने, अगले दिन सवेरे 4 बजे झगड़ा कर लिया। झगड़ा ऐसा किया महाराज, वो मेहमान देख रहा था, झगड़े झगड़े में सेठ जी ने सेठानी की गाल पर थप्पड़ मार दिया। सेठानी रोने लग गई, मैं तो आज खाना बनाऊंगी नहीं। सेठ जी बोले बिल्कुल मत बनाना। मेहमान भी समझ गए अब यहाँ रुक करके क्या करे, चाय पानी कुछ मिलने वाला नहीं है, ना तो ये खाना बनाएगी और ना हमें कोई खिलाएगा। तो अपना थैला उठा करके मेहमान चल पड़े। अब सेठ जी को थोड़ा मजाक, सेठ जी ने मजाक ही मजाक में थप्पड़ लगाया था तो हकीकत में थप्पड़ लग गया, तो रोने लग गई सेठानी। तो सेठ जी कह रहे हैं काय को रो रही है, वो तो गया तो वो जा रहा। तो सेठानी बोली मैं तो झूठे का रो रही हूँ, सांचे थोड़ी रो रही हूँ। सेठ जी बोले मैंने भी झूठे का ही थप्पड़ लगाया था, तू खामो खा के रो रही है। इतने में मेहमान वापस आ गया, मैं भी झूठा गया था सांची थोड़े गया था। तो याद रखना रोहतक वालों, चाहे तुम कुछ भी बना बनाओ हम जाने वाले नहीं है यहाँ से, अटूट प्रेम हो गया है यहाँ। हाँ हमने बताया ना आपको कथा, जब बैनर बन गया था मेरे पास, बैनर आया था महाराज जी का नाम सुना था, मैं तो नाम पूरा उस पढ़ा तो मैं तो घबरा गया, मैं तो इतना घबराया महाराज पता नहीं क्या होगा। थानेश्वर दास जी महाराज, हमने सोचा थानदार रहेंगे पक्का। अच्छा नाम किसी को पता है कि ये नाम क्यों रखा गया महाराज जी का? महाराज जी ना कोई फौज में ना पुलिस में, फिर भी थानेश्वर दास नाम रख दिया क्यों? कारण ये है, अच्छे अच्छे थानदार कांपते थे इनसे, बोलो प्रेम से राधे राधे, 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 राधे।
लेकिन जैसा इनका नाम है ना, थानेश्वर के नाम से तो लोग डर जाते हैं, लेकिन इनका प्रेम अटूट इतना है कि, और मैं ये तो मेरी पक्की बात है, मैं रोहतक में जब जब आऊंगा यहीं रुकूंगा, ये पक्की बात है, क्योंकि बड़ा प्रेम मिला है। हाँ, और ये प्रेम बस हमेशा बना रहे। तो याद रखना सज्जनों, ये माता जानकी, अगस्त महात्मा एक बार इनके यहाँ पधारे थे, राम जी ने बुला लिया था, क्योंकि माँ आए दिन कभी न कभी ताना मारती रहती थी जानकी, कोई महात्मा आए ढंग से भोजन करे तो मेरी तसल्ली हो। आज इसको बुला लिया, और इसको बुला लिया, पंगत में बैठ गए, महात्मा जी भोजन परोस दिया, थोड़ा सा भोजन बनाया मैया ने, थोड़ा खाएगा चला जाएगा और महात्माओं की तरह। पर राम जी ने कहा महाराज ढंग से भोजन करना, कोई कमी नहीं है भंडारे में। अब बताओ, सवेरे के 9 बजे का भोजन चालू किया बाबा ने, रात के 9 बज गए। जानकी घबरा गई, ये कैसो बाबा आया है। राम जी बोले ऐसा है, महात्माओं के बारे में ऐसे नहीं बोलते हैं, तुम्हें खुद ही कहती थी कोई ऐसा महात्मा है जो ढंग से भोजन करे, अब खिलाओ और पिलाओ। राम जी तो चले गए कहीं बाहर, 10 दिन में वापस आए। तो वापस आए तो बाबा को प्रणाम किया, महात्मा को, महाराज प्रणाम। महात्मा बोले महाराज भोजन करते समय बात नहीं करनी चाहिए, यार आप अपना काम करो। जानकी घबरा गई, महाराज बताओ 10 दिन हो गए भोजन करते करते, 10 दिन और 10 रात, अब क्या करें, रसोई का सामान भी खत्म हो चुका है। अब बताओ, माता जानकी स्वयं अन्नपूर्णा महारानी है, तो पता है क्या किया, रिद्धि सिद्धि गणेश सब देवताओं ने आकर के सेवा करी, कोई पुआ परोस रहा है महाराज, कोई कचौड़ी परोस रहा है, कोई खीर परोस रहा है, पर बाबा का पेट नहीं भरा। 18 दिन और 18 रात्रि तक भोजन किया बाबा ने। आज जानकी को पता चल गया, बस बाबाओं से सावधान रहना चाहिए। ये सब कृपा इसलिए रही, राम जी साक्षात उनके पेट में आकर के बैठ गए और भोजन पाते जा रहे हैं। याद रखना, संतों के मुख से, ब्राह्मणों के मुख से, अग्नि के माध्यम से, गऊ के माध्यम से, पर्वत के माध्यम से भगवान भोग पाते हैं। इसलिए महात्मा भोजन कम करता है तो इसका मतलब है कि भोजन करेगा कम तो भजन करेगा ज्यादा। अब आप लोग ज्यादा भोजन कर लो, गारंटी है तुम भजन कर भी जाए तो नींद आएगी, या फिर महाराज जब बीमार पड़ जाओगे ना, फिर पहुंचेंगे वहां हॉस्पिटल। अब खाइए आप हाजमोला की गोली, आराम पड़ने वाला नहीं है। बोलो प्रेम से राधे राधे। ये 3 पात्र बताए हैं। एकादशायाम निरा आहार समर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद द्वादशायाम जलमाविशतः। एक बार एकादशी का सवेरे का समय समझ करके नंद बाबा रात के 12 बजे यमुना में घुस गए, तो जल के देवताओं ने नंद बाबा को पकड़ के वरुण लोक में कैद कर दिया, बंदी बना करके। इधर सवेरा हो गया, बाबा नहीं दिखे, दोपहर हो गया, बाबा नहीं दिखे। भगवान से बोला लाला बाबा कहाँ हैं? बाबा ने ध्यान, जब लाला ने ध्यान लगाया तो बाबा तो वरुण लोक में बंद है। तुरंत भगवान यमुना में डुबकी लगाई और सीधे वरुण लोक पहुंच गए। देवताओं ने महाराज भगवान का स्वागत किया, नमस्तभ्यम भगवते ब्राह्मणे परमात्मने। भगवान बोले हमारा पूजन अर्चन कर रहे हो और हमारे पिताजी को बंदी बना रखा, तुम्हें शर्म नहीं आती? देवता बोले तुम्हारे पिताजी कहाँ? बोले ये रहे, रस्सियों से बांध रखा है तुमने। बोले महाराज क्षमा करो, हमें नहीं पता था, हमने सुन रखा था कि आप तो अवतार लेते हैं। बोले अवतार ऐसे ही तो लिया है? अच्छा, अवतार लेंगे तो कोई तो माता पिता होना चाहिए, दुनिया वाले कहेंगे कहां से टपक के आ गए, तो प्रमाण भी तो होना चाहिए। जबकि वास्तविकता यह है कि भगवान अवतार लेते हैं, जन्म नहीं लेते। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। अब महाराज जब वरुण लोक में जब भगवान पधारे होंगे तो आप विचार करो कितना बढ़िया उत्सव मनाया होगा। ब्रह्मा जी भी पधारे, भगवान शंकर पधारे, महाराज गंधर्व पधारे, किन्नर पधारे, आरतियां गा रहे, आरती उतारे, ओम जय जगदीश हरे। अब महाराज पक्का विश्वास हो गया नंद बाबा को, हमारा छोरा तो बैकुंठ नाथ है, बैकुंठ को स्वामी है। शीश नाग पर बैठ करके उनकी भव्य आरतियां उतारी जा रही हैं नंद बाबा को लेकर के। तुरंत भगवान यमुना से बाहर निकले तो यमुना के तट पे महाराज गोपियां खड़ी हैं, ग्वाल खड़े हैं। बाबा काहे गो तुम्हें कहाँ चले गए? बाबा तो चुप कछु ना बोले,
बाबा बोले भैया हमारो छोरा तो बैकुंठ नाथ है, साक्षात बैकुंठ को स्वामी है। मधुमंगल बोलो भैया, ओ लाला कन्हैया, अरे बैकुंठ नाथ। भगवान बोले हाँ, तो कब हम दर्शन करा तेरे बैकुंठ के? बोल करा देंगे, चलो। सज्जनों वृंदावन में एक कुंड है, जाको नाम है ब्रह्म कुंड। ब्रह्म कुंड में जाकर के कन्हैया के ग्वाल वालों ने ऐसे महाराज डुबकी मारी, वहां में कूद गए, सीधे वैकुंठ पहुंच गए। बड़े बड़े दरवाजे दिखे महाराज, बड़े बड़े दरवाजे देखे। अब ग्वालवाल, अब ब्रजवासियों को तो आप जानते ही हो, ब्रजवासी वो होते हैं महाराज जो महाराज ना घर में चैन से रहे ना बाहर चैन से रहे, हंसते रहे और हंसाते रहे और राधे राधे गाते रहे। और जैसे ही पहुंचे महाराज बैकुंठ में तो राधा रानी का बड़ा सुंदर उत्सव मना रहे थे। अरे वृंदावन में हुकुम चले है बरसाने वाली का, हाँ मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का, श्याम दीवाना है उस राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। हरे वृंदावन में हुकुम चले परेशाने वाली का, हो वृंदावन में हुकुम चले परेशाने वाली का। कौन कौन चलेंगे वृंदावन, हाथ खड़े करें जरा। तुम ऐसे बैठे रहो गारंटी को टम्पू आउ जाए तो खड़ा होना पड़ेगा भाई, तो जिनने वृंदावन चलो खड़े जाओ ना। हाँ।